दोस्तों, आज तक हमने हैकिंग के लिए यूज होने वाले बहुत सारे टूल्स के ऊपर वीडियोस बनाई है, जिसमें कि हमने बताया है कि बेस्ट टूल्स कौन से हैं हैकिंग के लिए। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे हैकिंग के लिए बेस्ट एप्लीकेशंस कौन सी हैं जो कि वाइडली यूज होती है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 वाइडली यूज्ड हैकिंग एप्लीकेशंस के बारे में। तो चलिए, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि आपके लिए एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारी चैनल पर नए हैं और आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम एथिकल हैकिंग की वीडियोस आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस लिस्ट की सबसे पहली एप्लीकेशन, जिसका नाम है एपीके एडिटर स्टूडियो। जी हाँ दोस्तों, एपीके एडिटर स्टूडियो एक बहुत ही इजी टू यूज और बहुत ही पावरफुल एपीके रिवर्स इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, जिससे कि आप किसी भी एपीके फाइल को रिवर्स इंजीनियर करके उसके रिसोर्सेस को एडिट, रिप्लेस या फिर एक्सट्रैक्ट आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है। अगर आप एपीके फाइल्स को जो है रिवर्स इंजीनियर करके उसको हैक करना या फिर उसके अंदर बग्स, वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस लिस्ट की सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है सीस्प्लॉइट एपीके। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है हैकिंग के लिए। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से आप वल्नरेबल नेटवर्क्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। जो भी नेटवर्क्स हैं, जो भी वल्नरेबल है, उनको आप डिटेक्ट करके उनकी सिक्योरिटी या फिर उनको थर्ड पर्सन जो है वो एक्सेस ना कर सके, ये सारी चीज़ें इससे कर सकते हैं। दोस्तों, आप वाईफाई के जो पासवर्ड्स हैं उन्हें भी इस एप्लीकेशन की मदद से एक्सट्रैक्ट या फिर उनको रिवील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से वाईफाई का कौन सा पासवर्ड है। ये सारी चीजें आप आसानी से इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरी एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है एंड्रो रैट। जी हाँ दोस्तों, ये एक रैट एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से आप रिमोट डिवाइस को, यानी कि कोई भी रिमोट पे रहे स्मार्टफोन को, आप फुल कंट्रोल उसका ले सकते हैं और उसके अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली, आजकल के दौर पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली अगर कोई रैट एप्लीकेशन है तो वो एंड्रो रैट है, जिसकी मदद से आपके डिवाइस को फुल कंट्रोल किया जा सकता है। एक रिमोट लोकेशन से आपके डिवाइस के सारे डेटा को लिया जा सकता है एक रिमोट लोकेशन से। तो ये भी एक वाइडली यूज होने वाली एप्लीकेशन है। अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम ऐसी भी कोई भी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ हम वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल सके और आप एजुकेट हो सके कि ऐसी एप्लीकेशन से यहाँ पे अवेलेबल हैं और ऐसी एप्लीकेशन से हम कैसे बच सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है लॉफ क्रैक सिस्टम हैकिंग। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम हैकिंग के लिए ये यूज होने वाली बहुत ही सबसे ज्यादा और सबसे शानदार एप्लीकेशन है। इसकी मदद से दोस्तों किसी भी विंडोज सिस्टम के पासवर्ड को क्रैक किया जा सकता है, या फिर किसी भी पासवर्ड को आप जानना चाहते हैं या फिर क्रैक करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपको बड़ी आसानी से ये काम करके दे सकती है। इस एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों आप किसी भी पासवर्ड की लेंथ को टेस्ट कर सकते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को टेस्ट कर सकते हैं कि वो पासवर्ड स्ट्रांग है या नहीं है, वो पासवर्ड की लेंथ प्रॉपर है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी आप आसानी से इस एप्लीकेशन से टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इस लिस्ट की लास्ट बट नॉट द लिस्ट एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है एयरक्रैक एनजी, जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है वाईफाई पासवर्ड क्रैकिंग के लिए। इस एप्लीकेशन की मदद से आप वाईफाई के पासवर्ड्स को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन बेसिकली काम ऐसे करती है कि जो वाईफाई के पैकेट्स आपके अराउंड, या फिर आप जिस डिवाइस से इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं उस डिवाइस के अराउंड जो भी वाईफाई अवेलेबल्स हैं
उनके पैकेट को कैप्चर करके उनके अनऑथेंटिकेशन जो सिस्टम होती है उन पैकेट्स को यूज करके डी ऑथेंटिकेट करके उसके बाद इस एप्लीकेशन की मदद से आप जो है पासवर्ड्स को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों ये एक लंबा प्रोसीजर है, आपको प्रॉपरली सीखना पड़ता है कि कैसे आप इस एप्लीकेशन की मदद से किसी भी वाईफाई के पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छी यूज़ होने वाली आज के दिन में एप्लीकेशन है किसी भी वाईफाई को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों यही थी वो पांच एप्लीकेशंस जिसके बारे में आज हम बात करने वाले थे। आई होप कि इस एप्लीकेशन के बारे में जान के आपको कुछ नया जानने कुछ नया सीखने मिला होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इन एप्लीकेशंस के बारे में जान सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके तो आप हम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।